लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अलल सुबह ही भगवती नगर जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए पहले काफले को हरी झंडी दिखाई। आप देख सकते हैं श्रद्धालु में कितना जोश है और ये तैयार है बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए। जम्मू में शदीद गर्मी के बीच ये कल ही जम्मू पहुंचे थे और 3000 से ज़्यादा डिवोटीज़ आज यहां से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। जी आपका नाम? जय बोले, मेरा नाम प्रशांत, मैं ग्वालियर एमपी से हूँ। गर्मी बहुत है लेकिन जोश कम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी जोश कम नहीं हो रहा। कल से बिल्कुल पसीने से नहाए हुए हैं लेकिन जोश बरकरार है। बम 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 बोले, बम बम बोले। मेरा नाम राजेश कुमार जी, राजेश सखूजा जी। मेरा भाई छोटा संदीप कुमार जी, यमुनानगर से, मैं हरियाणा से जी। बाबा जी कृपा से 21 साल से हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी, और बाबा जी ने जो हमने मांगा बाबा की कृपा से सब कुछ मिला हमें। और आगे हम यही कहते हैं जिस जो बाबा की कृपा से जो जो अपनी मुराद लेके आए हैं, बाबा जी सब उनकी मुराद पूरी करें। मेरी यही मनोकामना, बाबा जी सबको सोने अच्छा दर्शन दें और जो मुराद घर से लेके आए सब मुराद पूरी करके जाए। बाबा जी सबकी कृपा करते रहे ना। ये जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। बम 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 बोले, बम बम बोले, बम बम बोल बम बोल बम। मतलब कि आप देश का उत्साह बोल बम। उमस उमस का कारण कितनी गंभीर भयंकर पब्लिक भक्तों में इतनी जिज्ञासा है कि इसके कोई सामना नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा मायूसी थी, 2 साल से हम घर हाथ घर जोड़ के हाथ जोड़ते थे कि बाबा कोरोना को खत्म करो, और हम 2 साल से जो रुके हुए हमको वापस लौट चुके हो। आपको किस तरह की आज खुशी है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बहुत खुशी का बर्फानी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि 2 साल के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन मिल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा में जाते हैं और 2 घंटी लेके जाती, इनकी विशेषता यही है। और एक वहाँ बाबा के पास समर्पित करते हैं और चाबी कहीं दूसरे जगह भेज देते हैं। यात्री निवास को यहाँ पर लगे बहुत बढ़िया है और शासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा थी, जिसको देख के सभी लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस किए। ये सरकार मांगेंगे बाबा, देखिए 2 साल के बाद यात्रा ये चल रही है। आप इस यात्रा का माहौल देख रहे हो, जैसे दीपावली होती है कोई त्यौहार की तरह, ये सारी दुनिया बाहर से आई है और खुशियां मना रही है और खुशी से ये जाएगी और भोले का भाबा का जयकार करते करते ये निकलेगी। तो यहाँ मेरा नाम चनारा माली है, मैं राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बालोतरा से आया हूँ। और यहाँ का जो, वैसे तो मैं 5 साल से आ रहा हूँ, 2 साल कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। यहाँ की जो मीडिया की टीम हो, आर्मी पुलिस आर्मी हो, जम्मू कश्मीर की, यहाँ की जो सरकार पूरी अपने पुलिस प्रशासन हो, पूरा तन मन धन से सहयोग दे रही है और हर इंसान को एक एक को किसी को कोई खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आई। इस हिसाब से सभी के लिए सहायता में 24 घंटे तैयार है और कल से हम देख रहे हैं कोई तरह की हमारे को तकलीफ नहीं हो रही है। और बाकी जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, आज का पहला दिन है, वो तन मन धन से सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। यहाँ का कोई डर भय नहीं है, ना कोई आतंक है, ना कुछ नहीं है। सभी को छोड़ के आप भोलेनाथ के शरणों में जरूर जरूर पधारने का कष्ट करावे। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी 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 मैं अपने हरियाणा से आया हूँ, जिला हिसार से। हम 3-2-3 साल से इंतजार कर रहे थे, ये कोरोना से हम आ नहीं पा रहे थे, इसलिए अब फिर भगवान ने बोला हमारे सुन ली, अरे कोरोना हट गया। आप और हम पूरे जोश के साथ उत्साह के साथ पहले दस्ते में बोले के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे बात कर रहा हूँ। वंदे मातरम। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। पुरजोश ये यात्री इस वक्त भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप में है और अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो रहे, और पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ हरी झंडी दिखाकर पहले काफले को आज रवाना किया है। हिफाजत के सख्त तरीन बंदोबस्त के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा 2022 30 जून को सरकारी सतह पे बाजाब्ता तौर पे शुरू होगी और 15 अगस्त को इकदाम पजीर होगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।